To the channel of Need Stars, good evening. Let's see who all have joined us already. Hi, Dhirendra Mishra, Urvashi, Ashish, Abhishek, Dhruv. Good evening, unknown doctor Ayush. Hello, everyone. Hi, Rajni. Good evening, guys, and welcome to the Spark batch of.

थैंक यू कामरान हाय कुणाल हाय रजनी हाय सुहेल गुड इवनिंग यस प्लीज हाय ओशी रजनी ऑल राइट गाइज रेडी तो गाइज स्पार्क बैच में हम क्या पढ़ रहे हैं हम क्लास ट्वेल्व का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट कार 98 सीरीज का टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया गया क्योंकि फाइनली अब 2023 के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया गया है और उसका टाइम है सेवन तो कार 98 को हम पढ़ाएंगे सुबह सुबह दैट इज टेन टू ट्वेल्व गुड इवनिंग यस प्लीज गुड इवनिंग एवरी वन सो गाइज आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है सो हाउ आर यू एवरी वन हाई रितु पर्याकर आर एफ तो गाइज जल्दी से शेयर कर दो सेशन को जल्दी से शेयर कर दो ठीक है ऑल राइट थैंक यू पढ़ाई की दुनिया ओके तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई यो इज रेडी एनसीआर टी इज रेडी है नोट्स नोटबुक रेडी है हाईलाइटर पेन कलरफुल पेन सब रेडी है गाइज इस चैप्टर में बहुत सारे कलरफुल नोट्स बनने वाले हैं बहुत सारे डायग्राम्स आने वाले हैं सब रेडी है यस। yes? चलो गाइज ऑल राइट तो गाइज जिन्होंने मेरे साथ ये चैप्टर कल रात किया था इन द प्लस बैच ठीक है जैसे शिति भी थी तो उनके लिए ये क्विक रिविजन हो जाएगी एंड बाकियों को तो हम पहली बार पढ़ा ही रहे रेडी right? चलो सो गाइज लेट्स गेट ऑन टू दिस चैप्टर और गाइज इस चैप्टर पे आने से पहले तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है मुझे और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे है दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट 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 सो यस आ जाओ ये इंफॉर्मेशन दिए बगैर तो हमारा काम ही नहीं खत्म होता तो गाइज नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए रिविजन बैच स्टार्ट हो चुका है टेंथ अप्रैल से और इन्थ्यूज बैच ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए फोर्टीन अप्रैल से स्टार्ट हो गया इवॉल्व बैच ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए ठीक है एंड स्पार्क कोर्स हमने भी लॉन्च कर दिया है प्लस बैच के लिए स्टूडेंट्स के लिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का हमने सिलेबस उसमें स्टार्ट किया है राइट right? सो so, ये सबको पता हो गया और इन बैचेस के लिए गाइज आपको क्या चाहिए प्लस की सब्सक्रिप्शन टेन परसेंट ऑफ सीधा सीधा बाई यूजिंग दिस मैजिक कोड टीना या फिर डॉक्टर किरण और तुम्हें पता है साथ में चल रही है बंपर ऑफर तीन के बजाय चार महीने का ऑफर और ट्वेल्व मंथ्स का प्राइस पे करके यू गेट

ज फोर फाइव करोड़ अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट और गाइज इसके साथ तुम्हें जो स्पेशल चीज मिल रही है दैट इज यू गेट ए चांस टू मीट दीज कोलकाता नाइट राइडर प्लेयर्स सो ऑल एक्साइटेड मजा आ रहा है आर एफ शेख पार्थीनो जेनेसिस इज नॉट ए सेक्शुअल इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है उसपे भी आते हैं क्लियर है ठीक है तो गाइज ये स्कॉलरशिप और भी बड़ी है एंड दिस इज प्रोडजी दिस इज प्रोडजी स्कॉलरशिप ठीक है सो ऑल द नीट स्टार्स हु आर बॉन टू शाइन उनको तो ये देना बनता है गाइस ठीक है आप फ्री एनरोलमेंट करवा सकते हैं बाई यूजिंग दिस टीना एंड डॉक्टर किरण सो एग्जाम किस दिन हो रहा है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रिल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रिल से ट्वेंटी फिफ्थ ठीक है ग्यारह बजे सो ये डेट नोट कर लेनी है गायस सो so ये है अन अकेडमी प्रोडजी अगर आप लेते हैं टू टेक आई आई टी जेई एंड नीट यूजी टूमोरो Yes? निरजन भाई अब लालच मत बढ़ाओ ठीक है पहले इन्हें तो मिलो है ना एनसीआरटी इट इज रिटर्न इन डायरेक्टलीस नो पर्यांकर आई विल गेट आई रीड दैट एनसीआरटी की लाइन फॉर यू ठीक है इन द अदर सेशन आज तो मैं नहीं लेके आई हूँ तो फिर उसमें हम क्लियर कर लेंगे ठीक है ऑल राइट सो अमेजिंग में देखो क्या क्या है स्कॉलरशिप है फाइव करोड़ की और साथ ही साथ यू हैव द चांस टू विन मैकबुक आईफोन आईपैडो स्कॉलरशिप करोड़ तो guys, ये चीजें आपकी अपनी हो सकती है जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो इसका क्विकली टेक स्क्रीन शॉट गाइज यू हैव टू एनरोल फॉर इट बाई यूजिंग दिस इन्वाइट कोड ठीक है स्क्रीन शॉट ले लो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किस दिन एग्जाम देना है ट यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी के एस्पिरेंट्स देंगे एग्जाम अप्रैल को फर्स्ट से 2:30 थर्टी पी पे और 22 के एस्पिरेंट्स देंगे तीन से साढ़े चार और जो 2023 के लिए हैं यानी लिए के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो देंगे पांच से साढ़े छे एंड इफ यू हैव यंगर ब्रदर सिस्टर स्टार्टिंग ठीक है देन नाइन टेंथ के मूविंग नाइन्थ टू टेंथ में मूविंग स्टूडेंट्स देंगे ट्वेंटी अप्रैल को तीन बजे एंड एट से नाइन्थ में आने वाले देंगे चार बजे सो so गाइज दिस इज द टाइम फॉर द टेस्ट डेढ़ घंटे का टेस्ट है और अमेजिंग स्कॉलरशिप मिल सकती है और हम फ्रीज हो गए थे है ना तो डोंट वरी वो क्लास कॉन्टिन्यू करेंगे हम कल कल नहीं परसो कल आपकी बॉटनी की क्लास है परसों कॉन्टिन्यू होगी सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है और नोट्स भी मैं उसके बाद भेज दूंगी चलो और ये कॉम्बैट तो सबको याद हो चुका है गायस इलेवन ए एम ट्वेंटी एट क्वेश्चन हर संडे को राइट एंड टॉप विनर्स गेट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप एंड बाकी भी विनर्स के लिए है यू कैन एनरोल एब्सोल्यूटली फ्री बाय यूजिंग द कोड कोडर किरण या फिर टीना कोई भी एक कोड यूज कर सकते हो ठीक है जस्ट शो योर लव एंड यूज दिस कोड क्लियर ठीक है थैंक यू ज्योति थैंक यू बच्चे सो जल्दी से एक बार ए भेज दो और अब हम स्टार्ट करते हैं यस प्रयांकर वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इनवॉल्वेंट ऑफ फॉर्मेशन रिपोर्डक्शन इज ए से रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है एनसीआर टी को हम बाइबल जरूर बोलते हैं guys. लेकिन कुछ गड़बड़े हो जाती है एंड आई कन्फर्म इट टू यू ठीक है ही इट इज तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एक मॉडिफाइड फॉर्म एनसीआर टी को पढ़ने का क्या तरीका है वो भी हम बात कर लेंगे दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज एंड यू शुड ज्वाइन एनी फ्री टेस्ट सीरीज ठीक है दिस इज अ फ्री टेस्ट सीरीज और गाइज हमारी भी टेस्ट सीरीज फ्री चलती रहती है कहां right? the, पे एन टी एस राइट इन द दिन अकेडमी लर्नर्स एप पे एब्सोलूटली फ्री स्पेशल क्लासेस ठीक है चले स्टार्ट करें चलो तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर पे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ चलो सो गाइज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें ह्यूमन रिप्रोडक्ट ह्यूमन के बारे में ये कुछ फीचर्स पता होने चाहिए देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ना है है दिस इज चैप्टर नंबर ऑफ क्लास ठीक जो अपनी कॉपी सजा रहे हो ना उसके ऊपर ये हेडिंग जरूर डाल लेना ठीक है तो गाइज देखो अब कुछ फैक्ट तुम्हें पहले क्लियर होने चाहिए फैक्ट नंबर वन ह्यूम पहले तो जल्दी से ये बता दो बायसेक्सुअल है कि क्विक 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 इन द बॉक्स ह्यूमन आर और यूनिसेक् जल्दी से बता दीजिए मैम ये बोर्ड के लिए है या नीट के लिए अंकन ये दोनों के लिए है ठीक है ये दोनों के लिए है आपका बोर्ड एग्जाम भी नीट एनसीआरटी uh, से सेट होना है नीट भी एनसीआरटी से सेट होना है तो कॉन्सेप्ट तो वही है और इसमें गाइज हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिखने को दूंगी जो आप मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे एंड ऑफकोर्स वी विल बी डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है और ह्यूमन आर यूनिसेक् जल्दी से बता दो यूनिसेक् के लिए एक ऑल्टरनेट टर्म क्या यूज होती है वॉट इज दर्म यूज फॉर यूनिसेक्सुअल क्विक 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 अदर टर्म यूज फॉर यूनिसेक्सुअल येस प्लीज अदर टर्म फॉर यूनिसेक्शुअल सब बच्चों को आता है ये आंसर डाई एशियस वेरी गुड कुनाल ने सबसे पहले बता दिया इट इज नोन एज डाईशियस क्या मतलब है दोनों टर्म्स का कि सेक्सेस आर सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट आर सेपरेट है ना सो मेल बॉडी फीमेल बॉडी सेपरेट होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटली प्रेजेंट होंगे दैट क्लियर दूसरी चीज अब गाइज हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर मेजरली कौन सी होती है रिप्रोडक्शन मेजरली इट अंडरगोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर पिछले चैप्टर में हम अपना बेसिक क्लियर कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में guys, आपको पता है कि तीन इवेंट्स जरूर होते हैं वॉट आर द थ्री इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है उसमें ये तीन इवेंट्स जरूर होंगे राइट गिमीटोजेनिस और गिमीट्स का ट्रांसफर फिर फर्टिलाइजेशन एंड फिर फर्टिलाइजेशन के बाद का बनना और एम्ब्रियोजेनेसिस होना राइट ये तीन पॉइंट्स क्लियर है सबको अब गमीटोजेनेसिस जहां होती है उन ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है ये बता दो कि हम ऑलरेडी गैस दिस इज अ क्विक वार्म अप बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी नीड अ लिटिल बिट वार्म अप ये बेस हम तैयार कर चुके हैं पिछले चैप्टर में राइट right? तो जल्दी से बता दीजिए कोई 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 यस वी कॉल देम गोनड्स ठीक है तो गोनड्स बोला जाता है या फिर इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं गाइस ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे की गेमिटोजेनेसिस होती है वेर गेमिटोजेनेसिस अकर राइट गेमिटोजेनेसिस अकर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी रेडी मेल गुनार्ट्स को क्या बोलते हैं और फीमेल गुनार्ट्स को क्या बोलते हैं ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जल्दी से बता दो मेल और फीमेल गुनार्ट्स को क्या बोला जाता है मेल और फीमेल गुनार्ट्स को क्या बोला जाता है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इनकी गमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाएगा मेल्स के केस में इसको बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल्स में बोला जाएगा ऊ राइट सो दिस इज फॉर फीमेल्स एंड दिस इज फॉर मेल्स गुनाड्स का नाम बता दीजिए इनकेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ये राजेंद्र मिश्रम बोल रहे हैं निरंजन प्रदीप सब बच्चे सही बता रहे हैं नोन एज ओबरीज प्लीज नोट यहां पर मैंने ई e डाल दिया ई e का मतलब क्लूरल हो जाएगा अगर आई डालूंगी तो सिंगल होगा राइट right? दोनों का एक एक पेयर प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अब यहां पे गाइज आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो है ना जो भी आपकी कॉपी है जहां पे भी नोट्स तैयार कर रहे हो गायस एक पूरे पेज पे एक नया पेज उसके ऊपर एक टेबल बना दो जिसमें कि तुम डिफरेंसेस लिखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड जेनेसिस के जल्दी से एक टेबल टेबल ड्रॉ कर दो एक तरफ लिख दो स्पर्मेटोजेनेसिस एक तरफ लिख दो ऊजेनेसिस नए पेज पे क्योंकि यहां पे बहुत सारे डिफरेंसेस आने वाले हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन योर बोर्ड एग्जाम्स ये डिफरेंसेस आ सकते हैं लिखने के लिए ऑल्सो दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट जल्दी से टेबल बना दीजिए टेबल बन गई लिख दिया ठीक है चलो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट स्पर्मैटोजेनेसिस का डिफरेंस देखते हैं तो गाइस स्पर्मैटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में डिफरेंसेस स्पर्मैटोजेनेसिस कहां पे हो रही है टेस्टिस के अंदर ओजेनेसिस कहां हो रही है ओवरी के अंदर बहुत ही बचपना बचपने सी बात है ना नेक्स्ट स्पर्मैटोजेनेसिस गाइस कब स्टार्ट होती है इनके बारे डिटेल में हम बात करेंगे लेकिन तुम लिख लो स्टार्ट्स इन प्यूबर्टी मेल्स में स्पर्मा कब स्टार्ट होती है इन प्यूबर्टी यानी 12 से 13 साल की उम्र में एंड देन इट ऑन द लाइफ एज के साथ साथ ये कम हो सकती है यानी टेस्टिस का स्पर्म्स बनाने का स्पर्म प्रोडक्शन का रेट कम हो सकता है लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ वंस स्टार्टेड Oogenesis के बारे देखो start होता है है पैदा होने से पहले Starts before birth. जब हम में में होते हैं तभी हो जाता है. Before birth, stage बोलेंगे ठीक है अब कुछ बच्चों को डाउट था कि कल मैंने प्लस में भी क्लास ली थी तो उसमें भी बच्चे कुछ ऐसा बोल रहे थे कि मैम ये जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब नहीं स्टार्ट होती तो नो आंसर इज नो ठीक है ये पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाती है पैदा होते रुक जाती है ठीक है और उसके बाद 10-12 साल तक रुकी रहेगी और फिर जब पीरियड स्टार्ट होते हैं यानी कि हमारी प्यूबर्टी आती है तब ये रिस्टार्ट होता है गाइस तो एक्चुअली कब स्टार्ट हो गया था एक्चुअली स्टार्ट हो गया था बिफोर बर्थ इतना क्लियर हुआ सबको यस yes, चित टिल 45 इयर्स ऑफ एज व्हेन विल यू रिवाइज डाइवर्सिटी विभूति

तो ये क्लासेस जो है शाम की क्लासेस ये नए बच्चों के लिए ठीक है डन राइट एंड बोल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है डिप्लोटीन होता है बट विल रेक्टिफाई जी अब पूरा पेज खाली छोड़ दो जहां पे तुमने टेबल बनाई है क्योंकि उस पेज में तुम वापस आ रहे हो और बार बार पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ऐड करते जाओगे समझ में आ गया इतना ठीक है चले आगे तो आ जाओगे अब तुम्हें पता है कि गेमीट्स कौन से हैं एंड बने और स्पर्मेटोजें किस प्रकार के हैं दो प्रकार के राइट right. मेल्स में स्पर्म्स होंगे और फीमेल्स में ओवा होते हैं जल्दी से बता दो मुझे स्पर्म्स एंड ओवा की प्लॉयडी क्या होती है गिमीट्स की प्लॉयडी क्या होती है हमने एक रूल पढ़ा था गिट्स आर ऑलवेज डैश फिल इन द ब्लैंक क्विकली गिमीट्स आर ऑलवेज डैश क्विक 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 PDF मिलेगा भाई अंकन टेलीग्राम चैनल इट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल उस पर आपके सारे नोट्स अपलोड होते हैं ठीक है आर ऑलवेज ऑलवेज ठीक है एक और चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सिर्फ माइटोसिस होती है या सिर्फ मे होती है या बोथ जल्दी से बता दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी टाइप ऑफ सेल डिजन होगी क्विकली इट अंडरगोज विच काइंड ऑफ सेल डिविजन जल्दी से बता दीजिए अंडरगोज विच टाइप ऑफ सेल डिविजन यस 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 इट अंडरगोज बोथ राइट इट अंडरगोज एंड मियोसिस ठीक है लेकिन अगर एक चीज मेंशन करनी हो तो आंसर क्या होगा म्योसिस क्योंकि ये मीन्स एप्लॉयड है पेरेंट डिप्लॉइड है तो मियोसिस का फर्स्ट पार्ट मियोसिस वन इज ऑलवेज रिडक्शन ठीक है डायशियस क्या होता है खुशी डायशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ठीक है बच्चे चलो अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पे तो गाइज हमारे अंदर भी ये ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है उसमें तीन स्टेप्स होंगे और ये तीन स्टेप्स क्या है प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन गेमिटोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप है जिसमें गिमीट फॉर्मेशन होगी अब तुम्हें पता है कि हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इंटरनल है कि एक्सटर्नल जल्दी से बता दो हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि अनमोल ठीक बोल रहे हो बच्चे ठीक बोल रहे हो ठीक है क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू अकर इन द फीमेल बॉडी ठीक है तो गमीट ट्रांसफर में क्या होना है जो स्पर्म्स हैं दे आर डिपॉजिटेड यहां पे क्या होना है स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिपॉजिटेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जहां पे नोट्स बना रहे हो ऊपर मार्जिन में शॉर्ट फॉर्म लिख लो एफ आर टी और लिख लो सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एफ आर टी ये बार बार टर्म यूज होगी क्विकली जल्दी से बता दीजिए यस प्लीज एफआरटी स्टैंड फॉर फीमेल रिपोडक्टिव ट्रैक्स आर डिपॉजिटेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या बोलते हैं इसको दिस प्रोसेस इज नोन एज क्विक 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 इस प्रोसेस के लिए क्या नामकरण किया था हमने दिस प्रोसेस इज नोन एज जल्दी से बता दीजिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं नहीं आरफ एम्पूला तक नहीं जाता एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगी लेकिन स्पर्म्स एम्पुला तक थोड़े जाएंगे है ना तो दिस वेरी दिस इज इज नोन नोन एज एज वेरी गुड राइट वेरी गुड अब इसके बाद क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी जो स्पर्म्स हैं दे आर गोइंग टू रीच अप टू द एम्पुला ठीक है फेलोपियन ट्यूब तो एम्पुला के अंदर जाके होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन और फेलोपियन ट्यूब के किस रीजन में एम्पुला में ये क्या होता है सब कुछ हम पढ़ेंगे ठीक है डिटेल्स करेंगे इनके एक एक करके ठीक है गाइज उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनना है जाइगोड और जाइगोड गाइज इसकी प्लॉइडी क्या होती है क्विक, 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 जल्दी से बता दीजिए गुड इवनिंग जय प्लीजगोट इज ऑलवेज अजय वॉट इज ऑक्सीटोसिन बर्थ हॉर्मोन है मिल्क रिलीजिंग हॉर्मोन है उनके डिटेल्स करेंगे भाई. क्या उपर -उपर से पूछ रहे हो चैप्टर शुरू किया है अभी हमने तुम देखो कितनी गहराई में जा रहे हैं सो जस्ट वेट फॉर इट सोगोट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज है जब एम्ब्रिय बनना है एम्ब्रियो जेनेसिस मीन एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो आप मुझे बता सकते हो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कौन सी डिविजन होती होगी यस प्लीज विच काइंड ऑफ डिविजन वो डॉक्टर माइटोसिस या म्योसिस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जाइगोट से एम्ब्रियो जब बनेगा तो किस तरह की सेल डिविजन होगी ह्यूम के केस में माइटोसिस राइट एवरी वन दिस तो इट विल अंडरगो माइटोसिस वेरी गुड इतना क्लियर हो गया ये तुम्हें ऑलरेडी पता था अब गाइज ये सारी इवेंट्स होने के लिए हमारे अंदर सिस्टम है मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नाउ बिफोर गोइंग द डिटेल्स इनके डिटेल्स करने से पहले हमें स्ट्रक्चर समझना होगा राइट right? यही हमारा हमेशा स्कीम रहती है है ना तो इससे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम्स तो ये एक क्विक लुक ले लेते हैं इस पे भी तो व्हाट इज इट दसिस होगा इनसेमिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा प्रेग्नेसी स्टार्ट हो जाती है दैट इज नोन एज गेस्टेशन ठीक है कैसे कैसे होना है ये सब पढ़ेंगे एंड जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है एम्ब्रियोनिक देन इज नोन एज द चाइल्ड बर्थ इज दिस क्लियर सिर्फ आपको ये नाम पता होने चाहिए और गाइस पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है क्वेश्चन ये बनते हैं इनका ऑर्डर आपको क्लियरली पता हो सो so, सबसे पहले क्या है गेमीटोजेंशन फर्टिलाइजेशन फिर इनसेमिट इम्प्लांटेशन फिर गेस्टेशन एंड लास्ट में पासन ये ऑर्डर क्लियर होना चाहिए Is that clear? जिफ -IGP याद रख लेना, ठीक है तो जिफ आईजीपी क्लियर हो गया आरिफ कह रहा है चमक गया फाइन मन तो वेरिएशन कैसे होगी खुशी जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें नो डाउट वेरिएशन कम होती है इसलिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं बट हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती क्योंकि गाइज वेरिएशन का एक और रीजन है डी एन तो डीएनए मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन में भी हो सकती है तो इसलिए ए सेक्शुअल में पार्थीनोजे में भी वेरिएशन आती हैं लेकिन कम आती हैं बहुत कम एंड दे आर ड्यू टू डी एन ए इज दैट चलो आ जाओ गाइस उसके बाद ये सेम है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर है स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद नाउ फर्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो गाइस दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये साइड से दिखाया गया है सेक्शनल व्यू है ठीक है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो हम इस डायग्राम पे आएंगे बाद में ठीक है पहले हम अपना सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे क्लियर तो उससे पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बी इट मेल और फीमेल कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जिसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं उनको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वी हैव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या इनको हम बोलते हैं गुनार्ड्स क्या बोल देंगे गुना अब गुनार्ड्स वो होते हैं जहां पे गिमीटोजेनेसिस हो रही हो ये हमें पता है जहां पे एक्चुअली गिमीट्स बन रहे हो अब इसके अलावा और भी तो स्ट्रक्चर्स चाहिए जो स्ट्रक्चर्स उनका ट्रांसपोर्ट करें जहां पे उनकी स्टोरेज हो जहां पे उनकी मेचोरेशन हो राइट तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं असेसरी रीप्रोडक्टिव ड क्या बोलेंगे मिलती है जो कि उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है जो उनकी मेचोरेशन में हेल्प कर रही है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगी सो वील कॉल देम असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ठीक है चाहे मेल हो फीमेल हो ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे एंड लास्ट नॉट द होता है हमारे अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी प्रेजेंट होता है एज द नेम सेल बी फाउंड ऑन द आउटर साइड इज दैट क्लियर क्लियर हो गया सबको ठीक है ओनली हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर नहीं विद्या नॉट ओनली एन स्पर्म ट्रांसफर जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा यू विल सी कि वो ट्रांसफर के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं ठीक है चलो रजनी we'll बच्चे आ जाओ अब इस पे पहले फोकस करते हैं ऑल राइट गाइस अब एक एक करके हम इनके बारे पढ़ेंगे मेल के अंदर भी ये पार्ट होंगे अलग अलग होंगे फीमेल के अंदर भी होंगे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर guys, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज है उसके बाद वी हैव असेसरी ग्लैंड या असेसरी कर लेते हैं पहले असेसरी रिप्रोडक्टिव ठीक है देन वील हैव असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड देखते हैं कौन कौन सी हैं एंड Last not लास्ट नॉट द लीस्ट ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया लेट्स कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे First of all, male sex organ is known as testes. ठीक है स्मॉल ducts से लेकेथरा तक ऐसे में डॉटेड शो कर रही हूँ बीच वाले अभी नहीं लिख रही लेकिन बहुत सारी डक्स हैं जिनके बारे आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है सो वी हैव मेनी इन बिटवीन एटसेट्रा कर देती हूँ फिलहाल देन असरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थ्री इन केस ऑफ मेल्स फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स ठीक है जो दो होती हैं यानी पेयर्ड है वी हैव वन प्रोस्टेट ग्लैंड वी हैव वन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अगेन वी हैव टू यानी अ पेयर ऑफ Copper's gland. Apostrophe, कभी भी आ जाए apostrophe इसका मतलब साइंटिस्ट के नाम के पीछे और का जल्दी से screenshot ले लो These are the structures involved in this. Done? Clear हुआ सबको यस बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं प्रदीप बिल्कुल सही बोल रहे हो इसको बल्बो यूरेथ्रल भी बोल देते हैं ठीक है और भी नाम है जो हम पढ़ते रहेंगे बीच बीच में अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूं ठीक ठीक है एंड कम बैक टू दिस स्ट्रक्चर है ये कहां कहां कैसा व्यू है अंडरस्टैंड इट ऑल ये भी आपकी का डायग्राम है है गाइस ठीक लेकिन एनसीआरटी के डायग्राम पे आने से पहले हम क्या करते हैं हमेशा अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं अब गाइस बिफोर और प्रोसीड अंडरस्टैंड मेल्स के केस में जो यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक जगह पे कन्वर्ज होता है राइट एंड दैट वन कन्वर्जेंस दैट वन पार्ट जहां पे uh, एक कॉमन स्ट्रक्चर आता है जिसमें जो कॉमन स्ट्रक्चर जो कि यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है कोई बता सकता है वो कौन सा है यस नो रश्मि इट इज नॉट स्क्रॉटम इट इज नॉट स्क्रॉटम वो पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है एंड यस yes, एंड वो यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है दैट इज यूरिनोजनाइटेड ऑल्सो नोन एज यूरे ठीक है तो मैं स्टार्ट करूंगी यहां से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हि यहां पर बना रही हूं ब्लैड डोन्ट से कलर नहीं दिख रहा क्योंकि ये हमें दिखाना ही नहीं है ठीक है चलो आ जाओ थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं देखो तो दिस इज य एंड ये है हमारा यूरेथरा दिस इज अथरा इज जस्ट क्लियर ठीक है हम मेन स्ट्रक्चर पे पहले तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया देख लो एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज हियर दिस इज द मेन एक्सटर्नल जेनेटेलिया नोन एज पीनस ठीक है दिस इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया नोन एज पीनस दिस वाइट स्ट्रक्चर ठीक है और इसके बीच में से गाइज क्या पास हो रहा है इसके बीच में से पास हो रही है यूरेथरा दिस इज यूरेथरा ठीक है मेल्स के केस में क्योंकि यूरेथ्रा से सीमन भी पास होना है और यूरिन भी पास होना है इसलिए इसको हम बोल देते हैं यूरिनोजेनाइटल डाक क्या बोल देंगे यूरिनोजेनाइटल डाक बट ओनली इन केस ऑफ मेल्स ठीक है अब गाइज हम आते हैं सबसे पहले मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे दैट इज Testes. so these are the oval structures known as testes. testes T stands for testes here. Is this clear clear to all? हाँ clear Done. चलो अब डिटेल्स में बाद में जाएंगे पहले, overall, एक स्ट्रक्चर बता रही हूं ठीक है से कुछ डक सराइज होती हैं, ठीक है यहां से कुछ डक सराइज होंगी और ये डक्स कहलाती हैं वासा एफरेंशिया क्या कहलाती है एफरेंशिया कैसे बनती हैं वो हम तब देखेंगे जब हम टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे सो वासा एफरेंशिया देख लो यहां से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर में चेंज चेंज हो जाएंगी आई द कलर सो दैट इट बिकम्स डिफरेंट ठीक है तो देखो यहां पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये इज हाइली कोल्ड स्ट्रक्चर हाइली कोल्ड तीन से चार मीटर लंबी होती है गायस दिस इज हाइली कोल्ड स्ट्रक्चर कोल्ड एपीडिडाइमिस क्या बोलेंगे epididymis. ठीक है एपी डिडाइमिसी तरह से यहां पर भी है हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर ये ठीक है हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर दिस इज ऑल्सो एपीडिडाइमिस समझ में आ रहा है अब गाइज यहां पे ये एपिडाइमस जो है ये यहां पे बनाते हैं ये एपिडेडाइमस जो है ये यहां पे ब्रॉड हो जाएगा ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और ब्रॉड होके ये बन जाता है वास डेफरेंस क्या बन जाता है वास डेफरेंस ठीक है और ये वास डेफरेंस इस तरह से घूम के ठीक है इस तरह से वास डेफरेंस घूम के आता है और देखो यहां पे इसने एक बड़ा मजेदार सा स्ट्रक्चर बनाना है सी हियर ये ये और यहां पे डायलेशन बना देगा ठीक है दिस वास डेफरेंस दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ डायलेशन इस डायलेशन के लिए टर्म यूज होती है एम्पुला एम्पुला ऑफ वास ये बात सबको समझ में आई है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर डन yes. चलो अब गएस देखो इधर से भी यही होने वाला है ठीक है इधर से भी ये वास्ट डेफरेंस आया और इसने इस तरह से डायलेशन बना दिया ठीक है अब गायस डायलेशन तो बना दिया और ये है आपका वास्ट डेफरेंस वंस अगेन अब वास्ट डेफरेंस गाइज इज गोइंग टू मीट एन और स्ट्रक्चर तो यहां पे यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं देखो तो दीज आर द द्लैंड जिनकी जिनका हमने नाम ऑलरेडी कर लिया है दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स एक इधर है और एक इधर है ठीक है गाइस और इनकी डक्ट प्रेजेंट है दिस इज द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल तो तुम देख रहे हो ऊपर से वास डिफरेंस आ रही है इधर से सेमिनल वेसिकल की डक आ रही है दोनों मिलके बना देंगी इजाकुलेटरी डाक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दोनों मिलके क्या बना देंगी इजाकुलेट्री डाक यहां पर क्या बन जाएगा इजाकुलेटरी डीक है ये ग्रीन कलर में मेकिंग इट सो कलरफुल ताकि आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन पता लगे कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है दिस structure इज known एज ejaculatory duct. सबको समझ में आया ठीक है टेस्टीज उसके बाद वास्प्रेंशिया फिर ये हाईली क्वाल स्ट्रक्चर है फिर वास्ट एफ्रेंस फिर वास्ट डिफरेंस किसके साथ मिलता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल और मिलके क्या बना देता है इजैकुलेट्री डक्ट और गाइज ये इजैकुलेट्री डक्ट फिर ओपन हो जाती है इट विल ओपन इन टू दिस यूरेथ्रा। इट विल ओपन थ्रू दिस यूरेथ्रा, जो कि पीनस में से पास करेगी दिस इज यूरेथ्रा। ये बात सबको समझ में आई? दिस इज डन। सबको समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप दे दो कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो यस प्लीज इज दैट क्लियर टू ऑल

चलेगा ठीक है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बारे में बता रहे हो ना तो शौकत ये तो चल रहा है मुझे एक बात बताओ बच्चे आपके दिमाग में क्या लाइक चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा ये आपकी एनसीईआरटी तो है इसी को तो मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए तुम यहां से समझा के बता दो पेपर तो तो दो है थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी लेकिन है तो वही सिलेबस इज दैट क्लियर सबको समझ में आया जी सबको क्लियर हो रहा है डन चलो डाउट्स ऑफ क्रिस्टल परफेक्ट अब आ जाओ गायस देखो अब एक और ग्लैंड है है ना ग्लैंड एक और है सेमिनल वेसिकल हो गई एक ग्लैंड इसके पीछे कवर करती है दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड मैं यहां लिख रही हूं पीजी स्टैंड फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड अब समझो ये कितनी दिख रही है तुम्हें शायद दो लग रही होंगी लेकिन ये सिंगल होती है कैसे है अंडरस्टैंड देखो ये यूरेथ्रा आया ठीक है ये बीच में यूरेथ्रा था उसके पीछे से और ऊपर ब्लैडर होगा इसके पीछे से एक माई हैंड द प्रोस्टेट ग्लैंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इस तरह से पीछे से कवर कर रही है तो आगे से जब तुम देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इधर अलग है और इधर अलग है तो ये एक ग्लैंड है जो पीछे से कवर कर रही है जो पीछे से ऐसे कवर कर रही होगी इज दैट क्लियर तो दिस इज वन ग्लैंड नोन एज प्रोस्टेड ग्लैंड तीसरी चीज तीसरी चीज गाइस यहां पे हमारे पास एक और ग्लैंड है यहां जहां बेस ऑफ दीनस होता है वहां पे एक और ग्लैंड होती है दिस इज एज कॉपर्स ग्लैंड दिस इज एज कॉपर ग्लैंड समझ में आया ठीक है गाइस अब ये सारा स्ट्रक्चर है कहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर है कहाँ पे आई नो कि जैसे मैंने ये पूछा तुम लोग बोलने वाले हो कि मैम ये स्क्रॉटम है बट द आंसर इज रॉन्ग इनमें से कुछ पार्ट क्रॉटम में होता है जो कि बॉडी के बाहर है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है और कुछ वापस एबडोमन में होता है तो गाइस, इसका कुछ पोर्शन सी यहां से लेके यहां तक ये कलर शायद विजिबल ना हो तो मैं कलर चेंज कर देती हूं ना सी यहां से लेके कॉपर ग्लैंड यानी बेस से लेके यहां तक गायस ये जो पोर्शन है ठीक है ये जो पोर्शन है आई राइट दिस अगेन So that, कोई confusion ना हो सी यहां से लेके ये वाला जो पोर्शन है गायन के नीचे so कहां पर है एबडोम के बाहर है एक्स्ट्रा एबडोम है एक्स्ट्रा का मतलब हमेशा होता है आउटसाइड जो पोर्स जो स्ट्रक्चर वापस एबडोम में प्रेजेंट है या वापस एबडोम में जाएंगे उनको कहेंगे इंट्रा एबडोम इंट्रामीन्स विद इन इंट्रा एबडोमिनल इज दिस पॉइंट क्लियर हां जी ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ इंट्रा एबडोम एक्स्ट्रा एबडोमल ठीक है तो यहां पे मैंने क्या स्ट्रक्चर हटाया था दिस इज एपिडिडाइमस, ठीक है दिस इज एपिडिडाइमस. तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि आपको क्लास ट्वेल्व में बोर्ड एग्जाम्स में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है सो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ अल वर्जन ऑफ दिस डायग्राम ये सबको समझ में आया गाइस इज दैट क्लियर क्लियर हुआ है तो जल्दी से बोलो किमिया थम्स अप हां जी सबको क्लियर हुआ यस प्लीज थैंक यू आरफ शेख तो नौशाद आई होप दिस थिंग इज क्लियर ट्वेंटी ट्वेंटी इट कैन बी कम्प्लीट हो सकता है नौश अब पता नहीं है ना कि भाई कोविड कब तक चलता है और आपके एग्जाम कब तक होते हैं पता लगा हमारा यह सिलेबस पहले हो गया क्योंकि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन कब है ऑगस्ट में जाके है ना तो तब तक हमारा काफी सिलेबस होगा नो डाउट बट कम्प्लीट हो जाएगा ये हम अभी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं ठीक है बट येस वी आर ऑल प्लान एवरीथिंग इज गोइंग टू मैम नाम से बताइए कहाँ से कितना है इंट्रा और एक्स्ट्रा है अंकित रावल देखो पेनिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज अ पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस दिस इज ऑल एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दिस इज ऑल दिस एपिडिडाइमस तक ये सारा कहाँ है एक्स्ट्रा एक, आ, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में लिख देते हैं चलो तो इसमें क्या-क्या आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएगा टेस्टिस आएंगी ठीक है उसके बाद आपकी कुछ डक्स भी आ जाएंगी कॉपर्स ग्लैंड आ जाएगी ये सारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको यस yes, और में वी हैव में क्या है एपिडिडाइमस तक डिडाइमस तक ठीक है अप टू एपिडिडाइमस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है बाकी जाएगा वापस से इंट्रा एब्डोमिनल क्लियर हुआ अब बात यह है कि अगर ये एक्स्ट्रा और इंट्रा एबडोमल है तो इसका मतलब ये सारा पार्ट कहां पे प्रेजेंट है दिस इज ऑल प्रेजेंट ये वाला पोर्शन ये सारा पोर्शन कहां पे प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटम राइट एक्सेप्ट फॉर द एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपकी टेस्टीज पार्ट ऑफ दिस इज ऑल फाउंड इन योर वेर इन योर स्क्रोटम नाउ इसका मतलब एक्स्ट्रा एबडोमल पार्ट आपकी मेन बॉडी के साथ कनेक्टेड है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे ठीक है कैसे तो गाइस नॉर्मल बॉडी ड्रॉ कर रही हूं मैं ठीक है fine, ये लेग्स हैं फाइन ये लेग्स हैं तो गाइस ये जो क्रॉच एरिया होता है ये जो क्रॉच एरिया होता है यहां से गाइस यहां से ये डक्ट्स अंदर की तरफ जाएंगी और यहां पे एक कैनाल होती है जो उसको अंदर लेके जाती है गाइस एंड दैट कैनाल इज नोन एज इंग्विनल कैनाल ठीक है तो ये जो चीजें वापस अंदर जाएंगी ये किसके थ्रू जाएंगी थ्रू इंग्वाइनल केनाल ठीक है यहां पे किनाल होती है इंग्वाइनल केनाल जिससे कि चीजें एबडोम से एक्स्ट्रा ऑबडोमन आती हैं और एक, एक्स्ट्रा एबडोमल से एबडोमन में जाती है इंग्वाइनल केनाल ये पॉइंट याद रखना कौन सी केनाल है इस पर क्वेश्चन आता है कौन सी केनाल है जो कि एबडोमनल रीजन को एक्स्ट्रा एबडोमनल स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्ट करेगी इंग्वाइनल कैनाल इज दिस पॉइंट क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल यस यस अब जो ये वास डेफरेंस है गाइस, ये अकेली अंदर नहीं जाती, ठीक है ये वास डेफरेंस अकेली अंदर नहीं जाती वास डिफरेंस के साथ साथ देखो ब्लड वेसल्स भी यहां पे होती है यहां पे ब्लड वेसल्स भी uh, कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा ना हो जाए लेट्स ड्रॉ इट सेपरेटली आ जाओ तो अब देखो गाइस होना क्या है? आपकी वास डिफरेंस अंदर जा रही थी है ना दिस इज वास डिफरेंस वास डिफरेंस जब अंदर जाती है तो अकेली अंदर नहीं जाती है वास डिफरेंस के नीचे वाली साइड पे क्या है सब दिस इज ऑल दिस इज ऑल एपिडिडाइमिस ठीक है ना दिस इज एपिडिडाइमिस क्लियर नाउ सी वास डिफरेंस के साथ-साथ गाइस अब यहां आ जाओ यहां टेस्टीज को ब्लड सप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए नर्व्स चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए तो ऊपर बॉडी से नीचे ब्लड वेसल्स भी आएंगी यहां की वेन्स ऊपर वापस जाएंगी नर्व्स भी आएंगी ठीक है तो इसके साथ साथ और भी चीजें जुड़ के रहती हैं तो देखो यहां पे ब्लड वेसल्स भी है ठीक है ये ब्लड वेसल्स हो गई ब्लड वेसल्स नर्व्स भी होंगी यहां पर इज इट यहां नर्व्स भी होंगी ये मोटा सा बना देती हूँ तो ये सारी चीजें मिलके रहती है लिम्फैटिक डक्ट्स भी होंगी ठीक है? लिफेटिक डीकैटिक वगैरह डक्ट्स यहाँ पे होंगी ये सारी चीजें मिलके अंदर जाती हैं और ये मिलके एक कम एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं ऐसे और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गायस इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं जिसमें वास्ट डिफरेंस है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं जिसमें नर्व्स हैं, जिसमें लिम्फैटिक वेसल्स हैं और आसपास का कनेक्टिव टिश्यू भी है आसपास का कनेक्टिव टिश्यू भी है तो इस सब को मिला के हम क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू दिस वन इज नोन एज स्परमैटिक कॉर्ड क्या कहेंगे इसको स्पर्मैटिक कॉर्ड इज दिस पॉइंट क्लियर दिस इज नोन एज स्पर्मैटिक कॉर्ड क्या क्या कॉम्पोनेट्स है स्पर्मेटिक कॉर्ड के वास्ट एफरेंस ब्लड वेसल्स नर्व लिम्बैटिक वेसल्स एंड द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड वापस एबडोम में एंटर करती है किस कैनाल के थ्रू जल्दी से बता दीजिए जी। वाई सॉरी विच कैनाल विल कनेक्ट देम विच कैनाल विल कनेक्ट देम यस प्लीज इंग्वाइनल केनाल इट एंटर्स द सी इट एंटर्स द एब्डोमिन या एबडोमिनल कैविटी थ्रू थ्रू इंग्वाइनल कैनाल इज क्योर चलो अब इस इंग्वाइनल केनाल की और भी बातें होती रहेंगी समझ में आया सबको चलो तो गाइज एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रही है सो so, एक हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बाकी के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं इसके अंदर डक्स आ जाती हैं ग्लैंड आ जाती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ जाएगा ठीक है ना इन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं सेकेंडरी ऑर्गन ठीक है प्राइमरी में टेस्टीज है सेकेंडरी में ये देखो डक्स आ गई ग्लैंड आ गई एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ जाएगा डक्स और भी बहुत सारी हैं दैट विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज पीनस ठीक है जो इनसेमिनेशन में हेल्प करेगा नेक्स्ट इजाक्यूलेटरी डाक हमने पढ़ ली है यूनियन ऑफ दोनों को ज्वाइन करके क्या बनती है ejaculatory duct. और ये भी हमने देख लिया कि यूरेथ्रा जो है दैट अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमिन दैट इज वाई इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटर डक्ट ज यूरिनोजिनाइटल डाक क्लियर है एंड इट पासिस थ्रू पीनिस इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल सबको क्लियर हुआ है डन चलो अब गाइज हम आते हैं एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टीज के बारे में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे टेस्टीज के बारे में फर्स्ट स्ट्रक्चर वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज टेस्टीज टेस्टीज के बारे में जो चीजें हमें पता लग चुकी हैं जो स्ट्रक्चर देख के पता लगती है दैट इज इट इज ओवल पिंक कलर की होती है ठीक है दो होती हैं, पेयर्ड होती हैं, एंड काम क्या है टेस्टिस का इट प्रोड्यूज स्पर्ब्स इट प्रोड्यूज स्पर्व और ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ठीक है? स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन अब इसके बारे एक और खास बात कि इसकी लोकेशन क्या होती है वेयर आर टेस्टीज प्रेजेंट वेयर आर टेस्टीज प्रेजेंट तो आपको जब पूछा जाता है कि टेस्टीज की लोकेशन क्या है वॉट वुड यू से जल्दी से बता दीजिए वट इज द लोकेशन ऑफ टेस्टीज क्विक 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 वास्ट डेफरेंस जनरल टर्म है सिंस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नेफ्रॉन बस डिफरेंस नेफ्रॉन में कहाँ पे है भाई ये भी बता दो जरा कनाल थैंक यू राजवीर आउटसाइड द एब्डोमेन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है ना तो तुम लोकेशन के लिए क्या बोलोगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी आउटसाइड द एब्डोमेन और आउटसाइड एब्डोमेन कहां पे होता है इन इन स्कROTUM इन स्कROTUM ठीक है अगर ये स्क्रॉटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म सॉरी स्पर्म प्रोड्यूसिंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या टेस्टीज हमेशा से स्क्रॉटम में प्रेजेंट थी क्या टेस्टीज हमेशा से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थी तो गाइस आंसर इज नो टेस्टीज हमेशा से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं थी इनिशियली टेस्टीज एब्डोमिनल के अंदर ही होती हैं इंट्रा एब्डोमिनल ही होती है पीटल स्टेज में अप टू द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो इन द टिल द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या अप मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं उसके बाद गाइस स्क्रॉटम में डिसेंड होती हैं वो ऊपर एबडोम से निकल के नीचे स्क्रॉटम में आ जाएंगी कोई मुझे बता सकता है कि, कि किस रास्ते के थ्रू आई होंगी टेस्टीज एबडोम से में किस के थ्रू आई होगी कैन यू टेल मी दैट निरंजन हांजी दे कम आउट ऑफ सेवन ऑफ प्रेगनेंसी राइट राइट कुशाग्र ऋषि अनन्या कुनाल आर एफ सबने सही बताया तो ये आ जाती है एक्स्ट्रा डोमिनल थ्रू किसके थ्रू आ जाएंगी

2.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर थर्टी 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस पे गए स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकती तो इसलिए ये ये कंडीशंस कौन प्रोवाइड करेगा स्क्रॉटम ठीक है तो अब स्क्रॉटम क्या कर रहा है बेसिकली स्क्रॉटम कर रहा है थर्मो रेगुलेशन क्या कर रहा है थर्मो रेगुलेशन ज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल तो स्क्रॉटम का काम क्या है थर्मो रेगुलेशन करना ये प्रोवाइड करता है ढाई से तीन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मैटोजेनेसिस रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्मैटोजेनेसिस इज दलियर टू ऑल हाँ जी सबको समझ में आया बेस्ट टेम्परेचर एंड नरिशमेंट तो चलो मिल भी जाती मेन बात है यहां पर टेम्परेचर की क्लियर हो गया सबको डन अब थर्मोरेगुलेशन करने के लिए स्पेशल्स प्रेजेंट होती है नॉलेसिस यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन करने के लिए मसल प्रेजेंट होती है एंड इन मसल्स को हम बोलते हैं डाटोस मसल क्या बोलेंगे डाटोस मसल कौन सी मसल्स हैं डाटॉस मसल्स हैं इन द वॉल ऑफ स्क्रॉटम दीज मसल दीज अ फाउंड इन द वॉल ऑफ स्क्रोटम ठीक है और ये क्या करेंगी ये करेंगी क्या तो गाइज थर्मो रेगुलेशन जो है ये आपके सीजन सीजनल कंडीशन या वेदर कंडीशन के हिसाब से भी चेंज होती है, है ना अब जैसे गर्मियां तो गर्मियों में बाहर है स्क्रॉटम एक्सट्राडोमिनल है तो टेम्परेचर हाई जा सकता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा हाई ठीक है तो वहां पे और बॉडी से भी दूर रखना है क्योंकि बॉडी इज गोइंग टू रेडिएट हीट है ना एक्स्ट्रा हीट को रिलीज कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में स्क्रोटम की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं ये डार्टोस मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और इससे रिलैक्स होने से स्क्रोटम इज पुश्ड अवे फ्रॉम द बॉडी ठीक है तो डार्टोस मसल्स क्या करेंगी दे विल रिलैक्स ड्यूरिंग द समर्स दीज रिलैक्स ड्यूरिंग द समर्स ठीक है एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द विंटर्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द विंटर्स इज दैट क्लियर हां जी ये बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ और ये क्यों किया जाता है फॉर थर्मो रेगुलेशन ये डाटा मसल्स क्या कर रही हैं थर्मो रेगुलेशन कर रही हैं कहां प्रेजेंट है इन द वॉल ऑफ स्क्रॉटम इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल जल्दी से बता दीजिए ठीक है हाँ जी क्लियर टू ऑल राइट चलो नाउ इसके अलावा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लाइक स्ट्रक्चर -like होता है फंक्शन क्या होता है इसका थर्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन ठीक है अब गाइस यहां पे हमने अभी एक ही तरह की मसल्स की बात की है डाटॉस मसल ठीक है डाटॉस मसल और ये है क्या पिगमेंटेड है पिगमेंटेड मीन्स यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रखी होगी पिगमेंटेड है ठीक uh, -like है टू होल्ड दाटॉस मसल इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट होती है क्रिमास्टर मसल अब देखो क्रिमास्टर मसल का का काम क्या होगा और एक हमने पढ़ना है एक हमने क्या पढ़ना है गुबरनकुला अब ये चीजें हमें इसके बारे पता होनी चाहिए ठीक है पहली चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद डिसेंड कर जाती है इन टू द स्क्रोटम दॉट विल हैपन अगर ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज डिसेंड ना हो जल्दी से बता दीजिए क्या हो सकता है आई एम नॉट आस्किंग फॉर द कंडीशन आई एम आस्किंग फॉर द रेपरक्यूशन मैं इफेक्ट पूछ रही हूं अगर नीचे में डिसेंड ना हो तो मेल के अंदर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए यस प्लीज सब बच्चे मुझे बता रहे हैं कि भाई कंडीशन का नाम क्या है बेटा मैंने आपसे पूछा है व्हाट विल इट लीड टू इफ टेस्टीज फेल टू तो डिसेंड इफ टेस्टीज फेल टू डिसेंड इन स्क्रॉटम स्क्रोटम कंडीशन इज नोन एज नो डाउट बच्चों ने नाम बता दिया है स्क्रॉटम कंडीशन इज नोन एज का मतलब नोन एज क्रिप्टोचिडिज्म क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन क्रिप्टोचिडिज्म ठीक है नो no डाउट लेकिन होगा क्या उसे इट लीड्स टू स्टेरिलिटी राइट अनन्या योगेश सब बच्चों ने सही बताया है विद्या इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी ठीक है ना इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी तो मेल्स में इनफर्टिलिटी का एक ये कॉज बन सकता है देखो गाइस इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम्हें तभी समझ में आएगा अगर तुम्हें इस चैप्टर के ढंग से कॉन्सेप्ट पता होंगे सो दैट चैप्टर हैज ऑल इट्स कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज दिस क्लियर तो इस चैप्टर को बहुत ढंग से करना है ठीक है Concepts इस चैप्टर में है एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में होंगी अच्छा क्रिप्टोडिज्म को ठीक किया जा सकता है हां जी क्रिप्टोज को ठीक किया जा सकता है किया जा सकता है तो एक सर्जरी की जाती है गाइज इट इज करेक्टेड बाय माइनर सर्जरी बचपन में ही की जाती है करेक्टेड बाय क्यू पेक्सी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं क्यू पेक्सी इज माइनर सर्जरी डन और इंग्वाइनल केनाल में अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उसको हटा के इसको डिसेंड करवाया जाता है जबरदस्ती द ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको यस यस बाय सर्जरी डन है क्लियर तो गाइज ये ऑर्क्योपेक्सी से ठीक हो सकता है इतना डरने की बात नहीं है ठीक है चलो अब गाइज आगे आते हैं तो आई टेलिंग यू थर्मो रेगुलेशन कौन करेगा थर्मो रेगुलेशन? Is done by अब, मसल्स का काम होता है एलिवेशन ऑफ टेस्टीज कर मतलब रस्सी है ना यहाँ पे कॉर्ड का मतलब यानी एक टिश्यू प्रेजेंट होगा थिक सा टिश्यू फाइबर्स का बना हुआ जो कि टेस्टीज को कनेक्ट करता है या कनेक्ट करता है विदर्सल साइड ठीक है, ऑन द डॉर्सल साइड दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं डिफरेंट है. से दो ऑर्गेनिज्म है ना ब्रीड सेम है क्या सेम है स्पीशीज सेम है या डिफरेंट है प्लीज रेफर दैट वहां पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इज दैट क्लियर हाँ बच्चे और uh, टेस्टिस बिल्कुल नॉर्मल काम करेंगी तभी तो किया जाता ना ताकि नॉर्मल काम हो स्टेरिलिटी ना हो, इट। जब करने का कोई फायदा ही नहीं होना तो क्यों करेंगे आ जाओ तो एलिवेशन ऑफ गुबरनाकुलम गुबरना कुलम गुबरनाकुलाइबरसॉड है फाइब्रस है, ठीक है डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है डॉर्सल वॉल ऑफ स्क्रॉटम पे प्रेजेंट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ टेस्टीज फॉर अटैचमेंट ऑफ टेस्टीज Is that clear? ये clear हुआ। से बता दीजिए क्लियर है सबको ठीक है उसके अंदर हर एक साक के अंदर एक टेस्टीज होगी स्प्रॉटम कनेक्टेड रहता है विद ए डोमिन थ्रू पेल्विकल केनाल तो बता दिया था कि कनेक्शन किसके थ्रू रहेगा इंग्वाइनल केनाल के, के थ्रू टेम्परेचर में कौन सी मसल्स 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 अब मसल्स हमारे आ, विल में तो होती नहीं है हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो ये कौन सी है मसल्स है इज दिस क्लियर देन टेस्टीज के बारे का बता दिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है पहले ये अर्ली फीटल स्टेज में अर्ली फीटल स्टेज में, में डॉमिन कैविटी के अंदर होती है ड्यूरिंग द सेवेंथ मंथ ठीक है ये एंटर कर जाती है स्क्रॉटम में थ्रू इंग्वाइनल क्वेश्चन सिर्फ ही अंदर या बाहर नहीं जाता एब्डोमिनल या एब्डोमिनल नहीं होता उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होती हैं इजंट इट ब्लड वेसल्स क्या क्या आ जाएगा वास डिफरेंस ब्लड वेसल्स है ना देन वी हैव लिम्फ वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू देन ये सब मिलके बनाती हैं स्पर्मैटिक कॉर्ड एंड ये गुबरनाकुलम की बात हो रही थी फाइबरस कॉर्ड cord है कॉर्डल पे पे यानी टेल रीजन प्रेजेंट होती है टेस्टिस को के साथ कनेक्ट करेगी एंड दिस इज गुबरनाकुलम इज दैट क्लियर टू ऑल जल्दी से बता दीजिए गुड इवनिंग सुहानी यस yes? हर्ष सिंह कोई भी लेक्चर है बच्चे वीडियोस में देखो वीडियोस में मिलेगा आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे ठीक है चलो आ जाओ आगे अब गाइस हम पढ़ेंगे टेस्टिस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर ठीक है टेस्टिस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आज हम कर लेंगे देखो तो टेस्टिस का सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो ओवल बॉडीज है ना ओवल बॉडीज है अब टेस्टिस के अंदर गाइस प्रेजेंट होते हैं ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स एंड इन पिरामिडल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ठीक है तो देखो क्या क्या है दिस इज टेस्टिकुलर वॉल ये टेस्टिस की बॉल है टेस्टिकुलर से समझते जाना टेस्टिकुलर वॉल उसके अंदर गाइस प्रेजेंट होते हैं ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स डीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिस के अंदर क्वेश्चन यहां पे आता है कि कितने लोब्यूल्स होते हैं तो फैक्ट ये है कि लोब्यूल्स इन इन ईच दिस इज गिवन योर तो हमें लर्न करना होगा इज दैट क्लियर तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितनी होती है टेस्टीज के अंदर 250 फिफ्टी हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर का अंडरस्टैंड हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं ये है टेस्ट सेमिनिफेरस

ट्रिब्यूल oh तो बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है क्यों क्योंकि यहां पे दिस इज द यूनिट ऑफ टेस्टीज यहां पे बनते हैं एक्चुअली स्पर्स इज इट जैसे इलेवेंथ पे आपने पढ़ा द यूनिट ऑफ लंग्स तो ऐसे ही यहां पे क्या है इट इज द सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स इज दर गाइज सबको क्लियर हो रहा है राइट right? चलो अब सेमिनीफेरस ट्रिब्यूल्स हमें सारे नहीं बनाऊंगी यहां पे देखो सेमस ट्रिब्यूल के आगे ये छोटी सी डक्ट प्रेजेंट होती है ऐसे हर एक की तरफ से इसको मैं ऐसे बना रही हूं सब के अंदर से एक एक डक्ट स्मॉल स्मॉल निकल डाक्स ये स्मॉल डाक्स मिलके एक नेटवर्क सा बना देती है एक नेटवर्क बना देती है समझ रहे हो तो देखो ये क्या है दीज आर द स्मॉल डाक्स ठीक है उसके बाद ये मिलके क्या बना देंगी ये दिस इज रेटे टेस्टीज एक नेटवर्क बना देंगी इसको बोलेंगे रेटे टेस्टीज दिस इज द रेटे वाला पार्ट ये मैं ऑरेंज में कर रही हूं ठीक है दिस इज रेटे टेस्टीज ठीक है अब गाइस रेटे टेस्टीज से अराइज होती हैं ये वाली डाप्स दस से पंद्रह होती हैं सो दीज आर द स्मॉल डाप्स जो कि अराइज होंगी रेटे टेस्टीज से नाउ दीज डाप्स आर नोन एज वासा ध्यान से देखते जाओ स्ट्रक्चर ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है लेबलिंग के लिए तो बिल्कुल आएगा इज दिस क्लियर ठीक है तो देखो हमने क्या क्या किया अभी तक टेस्टीज बनाई टेस्टीज के अंदर लोब्यूल्स बनाए कितने होते हैं 250 हर एक लोब्यूल के अंदर एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी और ट्यूब्यूल्स के आगे होती है स्मॉल डार्क और ये आगे बना देगी रेटे रेटेडीज और रेटे रेटेडीज के आगे क्या शुरू हो जाएगा वासा वास्फरेंशिया ठीक है अब वासा के आगे यहां पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड वॉट डू वी कॉल दिस हाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर जल्दी से मुझे बॉक्स में लिख के बता दो वॉट डू वी कॉल दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जल्दी से क्विक 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 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बहुत बार नाम कर लिया हाँ जी बता दो हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे दिस होल हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर तीन से चार मीटर लंबा दिस इज नोन एज सृष्टि ने बताया है एपीडाइमस बहुत बच्चों ने बताया वैसे तो एपीडाइमस इसको तो क्या बोलेंगे एपीडिडाइमस क्लियर है और तुम्हें यह भी पता है कि एपीडिडाइमस ऊपर की तरफ बड़ा होके ब्रॉड होके क्या बना देता है वास डेफरेंस ठीक है

देख लो एंड लेट मी नो इज दिस क्लियर टू ऑल पर्यांकर उस पर आ रहे हैं अभी एपेडा के टाइप पार्ट पे आ रहे हैं हाँ जी क्लियर हुआ तो जल्दी से थम्स अप दे दो हम पानी पी लेते हैं एंड यू लेट मी नो अगर समझ में आ गया सारा डन है ठीक चल अब गाइस देखो कोई भी स्ट्रक्चर है उसके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी तो जरूरी है है ना तो हम इसके आसपास भी प्रोटेक्टिव कवरिंग देखेंगे तो सबसे पहले ये एक डबल मेमरी प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड दिस डबल लेड प्रोटेक्टिव कवरिंग दिस डबल लेड प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज ट्यूनिका वेजीनालस दिस इज नोन एज ट्यूनिका वेजीनालस ठीक है ये आउटर मोस्ट है उसके बाद गए अंदर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और होती है एंड दैट इज नोन एज यहां पे बना रही हूँ रेड कलर में ये डॉटेड सो दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट दिस इज नोन एज में और जो मेन है दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजीनिया क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया अगर आपको कोई पूछे द मेन कवरिंग ऑफ टेस्टीज आंसर क्या होगा ट्यूनिका एल्बुजीनिया इज दैट क्लियर ट्यूनिका वेजाइना नहीं है ट्यूनिका वेजीलिस है पर्यंकर एल्बुजिया और गाइस अब एक एक और और है, है? इससे बना ठीक ये कवरिंग है जो बीच बीच में भी रन करेगी ये इस तरह से लोब्यूल्स के बीच में जाती है ये दिस वन इज नोन एज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा दिस इज द इनर मोस्ट वैस्क्यू लोसा क्लियर हुआ सबको सो so गाइस ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज़ दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स सबको समझ में आया क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट पूरा स्ट्रक्चर करने के बाद हम जाएंगे एनसीआरटी के उस डायग्राम पे जो हमने आज देखा था इज दिस क्लियर ठीक है चलो एक बार देख ही लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर एंड वी वाइंड अप नाउ इसके बाद तो, आ जाओ तो लेट्स सी दिस डायग्राम फर्स्ट आई मेकिंग दिस डायग्राम थोड़ा बड़ा ठीक है थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो नाउ सी हियर सो दिस इज एनसीईआरटी वाला डायग्राम गायज देखो हमने क्या क्या कर लिया सबसे पहले ये ब्लैडर था ठीक है ब्लैडर के आगे ये तुम्हें क्या दिख रहा है युरेथ्रा. ये हमने कर लिया था सबसे पहले यही बनाया था के आसपास पास गैस क्या प्रेजेंट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया और उसकी टिप को बोलते हैं ये, है, ये, ये सारा जो पार्ट है ना दिस पार्ट इज एपिडाइमस ये सारा हाईली क्वल्ड स्ट्रक्चर जो इन्होंने इस साइड पर खोला हुआ है दिस इज ऑल एपिडाइमस इस साइड पे इन्होंने जरा उसको खोल के दिखा दिया दिस इज ऑल एपिडाइमस हाइली क्वल्ड और तुम देख रहे हो यहां से कुछ ट्यूब्स भी जा रही हैं ये ये ऐसी ट्यूब्स निकल रही है एपिडाइमस ऊपर जाके क्या बन जाता है वास्ट ये हमने कर लिया बीच में यहां पे बना होगा देखो इट्स नॉट क्लियरली विजिबल हियर बट नाउ यू द स्ट्रक्चर तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे एक नेटवर्क सा बना होगा इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं रेटेटेस्टीज बीच में क्या क्या प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज दिस क्लियर टू ऑल ठीक है और ये देखो हमने डक्ट ग्लैंड्स uh, भी किए सेमिनल वेसिकल ये वाली पेयर्ड ठीक है यहां पे ये वाली जो प्रेजेंट है दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड और यहां ये दो बल्ब लाइक ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर फोर स्किन लूज स्किन होती है जो टेस्टीज को सॉरी हाँ जो uh, पीनस को कवर करती है लूज स्किन इसके बाद हम पढ़ेंगे जब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आएंगे इज दिस क्लियर टू ऑल सृष्टि फंक्शन हम करेंगे बच्चे कल ठीक है वैसे बता देती कि टेस्टिस जो है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है क्लियर बाकी डिटेल्स हम करेंगे इन द कमिंग क्लास सो गाइज आज आपको ये सेशन समझ में आया सेशन समझ में आया पहले तो ये बता दो इज दिस क्लियर टू ऑल सेशन सबको क्लियर हुआ है जी सेशन क्लियर हुआ है सबको तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं आ जाओ जाने से पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं हाँ इट वॉज रेक्टा तो आज तक नहीं पढ़ा है ना ये कौन सी नई बायोलॉजी आ गई चलो आ जाओ तो कुनाल अब इसी का आंसर दो सबसे पहले हां जी एवरी वन लेट्स आंसर द क्वेश्चन सबसे पहले करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स जी इवेंट्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है यस प्लीज जल्दी से बता दीजिए करेक्ट ऑर्डर क्या है करेक्ट ऑर्डर इज गिवन बाय फर्स्ट गिवन बाय आरिफ शेख देन प्रदीप कौर देन अनन्या अनिंद्या कुनाल पर्यांकर सृष्टि आदर्श वेरी गुड वेरी गुड सुनील सचिन तो गाइस करेक्ट आंसर इज सी फिर इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन गेस्टेशन एंड फाइनली पार्चुरशन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो एडल्ट टेस्टिस बियर हाउ मेनी कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहां पे आई डाल रही हूं मैं ठीक है एन बोला है तो आई होना चाहिए हाँ अब बता दो एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं आंसर इज बी गिवन बाय कुनाल दैट इज 250 फिफ्टी बाकी ने भी दे दिया आंसर अनन्या आर एफ प्रदीप उमा प्रिया आदर्श विधु विधु गड़बड़ कर दी बच्चे इट्स नॉट 350 फिफ्टी ठीक है इट्स टू फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज ईस्ट एस्टिकुलर लोब्यूलिफेस्ट अभी बात करके हटे हैं कितनी सेमिनिफेरिस्ट ट्रिब्यूल्स होती हैं एक के अंदर क्विक 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 आंसर एज सी आंसर एज सी फर्स्ट गिवेन बाई आरफ शेख देन कुणाल प्रिया काव्या प्रदीप अन्य वेरी गुड गायज वेरी कामरान सृष्टि उमे सब बच्चों को पता है वन टू थ्री होते हैं एक के अंदर एक से तीन तक हो सकते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया है अनाटमिकल सीक्वेंस करेक्ट बताना है करेक्ट अनाटमिकल सिक्वेंस किस ऑर्डर में इनका ट्रांसपोर्ट होता है Yes, please. जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फोर का करेक्ट आंसर सेमिनी फेर वास्ट डेफरेंस एंड एपिडाइमस या सेकेंड है पहले एपिडाइमस आएगा फिर वास्ट डेफरेंस आएगा या फिर वास्ट रेटेड एस्टीज से पहले आएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर Is B Bombay it is first given by R F then Ananya Lata Gadbad, ho gayi. तो correct answer is B Seminiferous bulb then Ret testes then Vas deferens then epididymis and Vas deferens is this point clear to all ठीक है guys अब next class में हम start करेंगे Seminiferous bulb के साथ जिसमें कि हम देखेंगे कि testes के अंदर जहाँ sperms बनते हैं वो जगह कैसी है वो जगह कैसी है इज क्लियर ठीक है तो गाइज ग्लैंड के बारे पढ़ेंगे इन चीजों के बारे सब डिटेल में करने वाले हैं ठीक है क्वेश्चन पूछ लिया जाए नहीं ये हमने अभी किया ही नहीं है ठीक है सो गाइज नेक्स्ट क्लास ऑन वील हैव रेगुलर नीट चेक तो ये जो आपने क्वेश्चन अभी किए हैं दिस वॉज अ नीट चेक तो ये नीट चेक पॉइंट हमेशा आता रहेगा आपके क्वेश्चन से हर क्लास के बाद एट द एंड चेक कि हमारे पॉइंट क्लियर हैं कि नीट नहीं है आपको यह लेक्चर ऑसम लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ठीक है डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज नॉलेज बांटने से बढ़ती है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन वेडनेस कल गाइज इसी वक्त क्लास होगी आपकी बॉटनी की जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनजीओ होगा एंड गाइज गुड न्यूज इज क्लास इलेवन के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है दैट इज चैंपियन बैच ठीक है आज ही हमने उसका लॉन्च किया है और uh, सात बजे मिलते हैं ठीक so है सो ऑल फ्रेंड्स हु हैव जस्ट जॉइंड इलेवन स्टैंडर्ड योर सिबलिंग्स योर फ्रेंड्स शेयर इट विद सात बजे गाइज चैंपियंस की क्लास है राइट नोट्स कहां सेंड करना है पर्यांकर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बच्चे आई विल सेंड माई टेलीग्राम माई नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल और आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने नोट्स का ठीक है डू सेंड अस नोट्स ताकि हमें पता लगे कि आप क्लास में कितनी मेहनत कर रहे हैं एंड वील शेयर इट एंड ऑल्सो गिवट आउट डन ऑल राइट सुपर डुपर सेशन था तो क्या सुपर डुपर सेशन था तो लाइक्स कर देना और शेयर करना मत भूलना ठीक है और हमारा नेक्स्ट टारगेट तो तुम लोग भूल ही गए हो भाई टेन के बाद तुम्हारे लिए हम इतने अमेजिंग सेशंस लेके आए क्लास इलेवन एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्न फॉर क्लास इलेवन स्टूडेंट्स फॉर दो स्टूडेंट्स एंटर क्लास 11 एंड क्लास जो थोड़ा ज्यादा पढ़ने का शौक रखते हैं राइट चलिए सी यू इट सेवन एंड दिस टॉपिक विल कॉन्टिन्यू टिल देन कीप शाइनिंग